Hi guys, welcome back to my channel. If you're new, yeah, make sure to be hitting the subscribe button. Subscribe to my channel just in case you guys haven't yet. And हम लोग आए ब्रेकफास्ट के लिए कोना दुकान, जो कि कैलकटा में बहुत ज़्यादा फेमस है. अगर आप कैलकटा के हो या कैलकटा आओ तो आप लोग को ये जगह ज़रूर विजिट करनी चाहिए. सो लेट्स गेट अहेड विद द व्लॉग. सो गाइस, हमने दो चीज़ें ऑर्डर की है, एक है पूरी सब्जी और दूसरा कॉर्न चिली टोस्ट. सो गाइस, अभी हम पहले ट्राई करेंगे पूरी सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है. उसके साथ में मिर्ची और भुजिया भी मिलता है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, बट हमें उसको नहीं चाहिए. नॉट इंटरेस्टेड. काफ़ी टेस्टी है एंड काफ़ी स्ट्रीट स्टाइल के उसमें, तो आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. आई वुड रेट इट अ 3 out of 5. अब दूसरे, तो गाइस हम लोग ट्राई करने वाले कॉर्न चिली टोस्ट. इसकी फिलिंग के अंदर है टमेटो, कॉर्न, चीज, मेयो एंड अनियन, कैप्सिकम. क्लोजअप कैमरा मैन, क्लोजअप लो. सॉरी, हम लोग ट्राई करने वाले हैं. दो चटनी है, एक सॉस और हरी चटनी. हम हरी चटनी के साथ ट्राई करेंगे. सैंडविच ज़्यादा अच्छी लगी मुझे. आई वुड रेट इट अ 5 out of 5. ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है. इट्स फुल ऑफ फ्लेवर. सो I really like the sandwich more. So I am not a sandwich person, but yahan ki sandwich generally bahut achhi hai. So do give it a try. Next hum log jo bhi order karenge, I'll let you know. So guys, humne next order kiya malai kofta, jo ki yahan ki bahut zyada famous hai. So hum usse try karte hain. Normal search karne ka like kya usme zyada jagah search karna hai. Jaake search बहुत ज़्यादा अच्छी टोस्ट है. एकदम फ्रेश मलाई यूज़ होती है. ब्रेड ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा क्रंची है. आई वुड रेट इट अ 4 out of 5. ये मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट डिश है, हमने जितनी भी ऑर्डर की है. सो यार, सो गाइस, हमने नेक्स्ट ऑर्डर की वाटरमेलन जूस. एंड ये भैया बहुत स्वीट, उन्होंने हमारे लिए स्पेशली वाटरमेलन जूस अरेंज किया है. तो स्पेशल क्रेडिट फॉर दैट. सो हम इसे पियेंगे. बहुत ज़्यादा फ्रेश जूस है. नॉर्मल वाटरमेलन जूस जैसा घर वाला टेस्ट होता है, ये वैसा ही है. टोमेटो से अनदर व्लॉग गाइस. सो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज एंड उसके बाद हमारा प्लान है फ्रेंड्स लोग का मूवी जाने का. सो आई थॉट व्हाई नॉट व्लॉग इट एंड शेयर विद यू गाइस एज वेल. तो बने रहिए, तब बने रहिए आखिर तक. एंड लेट्स हैव फन टुगेदर. आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज़ मैं बहुत एक्साइटेड. मेकअप तो नहीं किया बट ठीक है. लेट्स अप्रिशिएट ऑल द बॉब्स. ओके गाइस, थोड़ा चुपा हो गया. हम लोग बहुत लेट आए हैं, हमारी मूवी की टाइम हो गई. तो अभी तो मूवी देखने जा रहे हैं एंड वो सब. तो अभी हम मूवी देखने जा रहे हैं. कॉलेज अगर हम लोग जाते तो मैं आप लोग को शोर उसका ब्लॉग करके दिखाऊंगी, बट अभी मूवी. और ये मेरी पहली हॉरर मूवी है. हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, मूवी मेरी पहली हॉरर मूवी है. पहली हॉरर मूवी जिसके मैं पैसे देकर थिएटर में देखने जा रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे भी नहीं देखता और मैं बाहर क्यों ही पैसे दूँ भूत से देख के डरने को. तो मेरी पहली हॉरर मूवी, क्या बक रही हूँ मैं. पहला भूत का मूवी है. अरे ऐसे तुम नहीं, मैं तुम्हें पहला भूत का मूवी है. नहीं तुम देखा है. हाय, बोलो हाय. वहाँ पर हमने खा लिया एंड अभी सिट को अपनी की बाइक देखनी है. तो हम लोग उधर शोरूम में जा रहे हैं. ऑल्सो बहुत गर्मी, चाय निकल रही है. अच्छी सर, जाहिल लोग हैं. अच्छी लाइटिंग भी चली गई मेरी तुम्हारी वजह से. मैं कैसी एकदम सफेदी लग रही हूँ यार. निशान का गाड़ी
गाइस जस्ट अ लिटिल रिकैप, बाहर शोर आ रहा है अवॉइड. तो हम लोग कॉलेज गए थे, कॉलेज से आ गए थे मैं अराउंड 3:30 बजे घर पे, बट मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी दैट आई जस्ट टुक अ शावर एंड मैं सीधा सो गई थी. एंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ऐसे आप थक जाते हो या वैसा कुछ, बट आई थिंक गर्मी की वजह से ना और इंसान ज़्यादा ज़्यादा वो फील करता है, तो वैसे थका हुआ या ज़्यादा वो चिड़चिड़ा और एकदम ऐसे समझ रहे हो ना, गर्मी के जैसे इंसान में जो होता है कि वो थका हुआ महसूस कर रहा है वो फील होता है. तो मैं आई सो गई एंड जैसे ही सो के उठी प्लान बनाया फैमिली डिनर पे जाने का, तो चलते हैं हम लोग मस्त फैमिली डिनर पे. आई टेक यू गाइस अलोंग. ऑल्सो आई हैव नो आइडिया हाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी. मैं अलग अलग क्लिप्स को लेके एक वीकली व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ, बट अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी बनी तो मे बी इट जस्ट को एज अ सेपरेट फैमिली डिनर व्लॉग. सो स्टे ट्यून्ड, जो भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा जैसे भी आएगा. इसलिए मैं अलग से ज़्यादा इंट्रो नहीं कर रही, एंड बाई चांस अगर ये सेपरेट वीडियो जाते तो मैं अलग से इंट्रो करके स्टार्टिंग में डाल दूँगी, तो आप लोग आगे देखोगे जब ये क्लिप आएगी तो आप लोग समझ जाओगे. सो फैमिली डिनर पे जा रहे हैं मैं, मम्मी, पापा, भाई नहीं जा रहा, उसका टर्फ में मैच है तो उधर जा रहे हैं. हमारे संग दिवांशी माई डेट पार्टनर, आज वो हमारे संग चलेंगी, वो हमें ज्वाइन करिए तो हम लोग चलेंगे एंड विल हैव फन. सो सोने के बाद इतनी गोरी गोरी लग रही हूँ. अच्छा लग रहा है सोने के बाद मुझे, मैं बहुत सोई, मैं 3-3.5 घंटे तक सोई हूँ एंड अभी भी मुझे इतनी थकान महसूस हो रही ना, क्योंकि गर्मी में जान निकल जाती है बहुत ज़्यादा. एंड आज हम लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग भी की थी हमने, तो जैसे भी मेरी हालत ख़राब हो रखी है. एंड मैं सुबह सुबह टोटो से गिर गया था तो मेरे को पैर में थोड़ा बहुत उसको लेके भी चल रहा है, बट इट्स ओके, होती रहती है, छोटी बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है. नेवर माइंड, हमारा इंट्रो बहुत लंबा बन गया है तो हम चलते हैं. मैंने आउटफिट निकाल ली, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और हम रेडी होकर चलते हैं. तो गाइज मैंने आउटफिट के लिए एक क्रॉप टॉप निकाला है, ये मेरे से पहली बार पहन रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ. मेरे कपड़े और डेनिम जीन्स यो, एंड मेरा ये नेल आज ही टूटा है, जस्ट इस लिटिल सैड स्टोरी, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है. यस सो गाइज मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि मैं मूवी देख कर आई एंड मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो लेट्स जस्ट हैव अ लिटिल चैट, थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं हम लोग, यू नो क्या पता हम फेमस हो जाए. जस्ट किडिंग. सो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आई मूवी, अगर कोई मुझे दोबारा कहने को बोलेगा मैं इसे देख लूँगी, मुझे बहुत पसंद आई. आई डोंट नो लोग इतना गंदा रिव्यू क्यों दे रहे हैं इसको, मे बी हो सकता है कि काफ़ी लोग ना जनरलाइज कर रहे होंगे कि भूल भुलैया 1 इतनी अच्छी थी तो 2 भी थोड़ी वैसी होगी, बट उसके कंपेयर में तो ऑब्वियसली वो तो अलग ही लेजेंड पीस थी भूल भुलैया 1. आई डोंट थिंक सो आज के ज़माने में उसके जैसी दूसरी बन सकती है, बट आई थिंक कि भूल भुलैया 2 इन इटसेल्फ इज़ अ गुड मूवी, अ गुड स्टोरी एंड अ गुड कास्ट. मुझे बहुत पसंद आई मूवी, सो आई वुड रेट इट अ 4.5 out of 5. डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी एंड कॉमेडी बहुत अच्छी थी एंड इतनी डरावनी नहीं थी, मतलब सिंस मेरी हॉरर पहली हॉरर मूवी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, और तो बीच बीच सीन में मेरी फट गई थी एकदम कि भाई क्या हो रहा है, बट देन इतनी हॉरर नहीं थी. अगर आप ऐसे नॉर्मल बिगिनर लेवल के हॉरर वाले वॉचर हो तो आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो. मैं खुद जाके आई हूँ, मैं सही सलामत हूँ, मेरे बाजू वाले सही सलामत है, मेन कंसर्न. तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाके वो मूवी देख कर आए, मुझे बहुत पसंद आई, बस इतना ही कहना था हमें. सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, कहूँगी शॉर्ट के आसपास आउटफिट उसी रेडी पूछा, बट मैं फिर भी कह देती हूँ बहुत सिंपल मैंने ड्रेस अप की है, मुझ में एकदम भी हिम्मत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बस खाने के लिए जा रही हूँ, बस मैंने बहुत डिसेंट कपड़े पहन लिए. सो गाइज यस द आउटफिट देखा था, क्योंकि के पीठ पीछे उसका चुगली कर रहे हो. हाँ वीडियो बना ली हूँ मैं, अब मारेगा वो तुमको आके, ऐसे कैसे तुम उसका वो कर रहे हो. लाल बहुत वीडियो में हिट हो रहा है, मदर्स डे वाले दिन भी, आज भी. फूगी को लाना पड़ेगा मेरे को मेरे वीडियो में. इधर देखो तुम, इधर देखो अब कैसा किचन का भी कर रहे हो व्यू ला जी. से हाय, आज निकी बुआ डबल डबल ट्रीट में है, बस इसको खुद को दिखाओ. ऐसे आएगा बेटा, ऐसे आएगा. हेलो कैसे हो. हेलो चिल्ड्रन कैसे हो. कोई चिल्ड्रन नहीं है, हेलो चिल्ड्रन, तुम चिल्ड्रन हो भाई. जब भी जैसा चिल्ड्रन बस फुगी से बड़े हो तुम, बाकी किसी से बड़े नहीं हो बेटा. जानवी हूं बड़े. हां जानवी और फुगी बस. अब तो दो ऐसे फुगी को हाय बोलो. हाय हाय हेलो पटे
थोड़ा पास होता दूर मिल जाओ सो गाइस हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री 500 मिले लेट्स ट्राई बहुत अच्छा यार मेरा वाला और मिला ये एक और 500 था ना उदय दी जो ना उधर पापा वाला ये मेरा दूसरा 500 Hey guys, welcome to a new day. Today is 24th of May and since all of you guys know today's Brothers Day. So happy Brothers Day to everybody and all of you watching this video. And guys, मुझे याद भी नहीं था कि आज Brothers Day honestly मुझे मम्मा ने याद दिलाया कि आज ब्रदर्स डे सो वी थॉट कि हमें भैया को कुछ देना चाहिए था उसे भी स्पेशल फील कराना चाहिए था तो लास्ट मिनट तो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं क्योंकि आई इवन हैव अ ट्यूशन जो कि मुझे जाना है मुझे उसकी होमवर्क वगैरह वो सब भी करनी थी मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है बट जो थोड़ा बहुत टाइम है तो उस एमरजेंसी में हम लोग सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग अभी जाके कुछ खरीद सकते हैं आई एम प्लानिंग कि मैं उसके लिए कुछ टी शर्ट या शर्ट वगैरह खरीद लूँ क्योंकि उसे कपड़े के सबसे ज़्यादा उसे पसंद है कपड़े एंड आई नो मैं उसे कपड़े गिफ्ट करूँगी तो उसे अच्छे से मतलब पहनेगा वो एटलीस्ट यूज़ करेगा उस चीज़ को जितना कि आई डोंट थिंक सो बाकी चीज़ों को यूज़ करेगा तो हमने सोचा कि हम जाएंगे और फटफट देखो हॉल में ही हमने सोचा हम फटफट जाएंगे और लेकर आ जाएंगे उसे छुपके एंड इसलिए मैंने उसे अभी तक विश भी नहीं किया वरना उसे सिर्फ थोड़ा फाती दिमाग में से सोचा लगा कि मैं उसके लिए कुछ प्लान करी उसके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ तो फटफट चलते हैं तो सिंस लास्ट मिनट की वजह से मुझे पास वाल में कुछ जाना पड़ेगा कुछ खरीदने के लिए एंड आई प्लानिंग कि मैं अब नहीं जाऊँ सो यू गाइज़ नो माई एक्सपीरियंस विद अवनी आई डोंट थिंक मैं वहाँ पर कुछ भी व्लॉग कर पाऊँगी बट आई ट्राई मैं जो भी जितना भी हो सके छुप छुप के या जैसा भी हो छुप छुप के तो क्या मतलब जितना भी पॉसिबल होगा मैं उतना व्लॉग करके आप लोगों को दिखाऊँगी ऑल्सो लेट्स जस्ट अप्रिशिएट द लाइटिंग इट्स वेरी गुड एंड ऑल्सो जहाँ पर इतनी बारिश हुई कलकत्ता में द वेदर इज़ ग्रेट एंड मैंने शैम्पू किया तो मुझे और अच्छा लगा द वेदर इज़ अमेजिंग बहुत ज़रूरत थी हमें क्योंकि कलकत्ता में इस बार इतनी गर्मी पड़ी जान निकल जा रही है भैया बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अभी वेदर बहुत अच्छा हो गया तो विदाउट एनी डिले हम लोग फट पे चलते हैं जितना भी होगा मैं ब्लॉग करूँगी एंड आई लेट यू गाइस नो स्टे ट्यून्ड लेकिन सरप्राइज मैकडॉनल्ड्स फॉर हिम सो यू बेटर बी हैप्पी टुडे ओके इस मैकडॉनल्ड्स के लिए तो मेरा चोपा हो चुका है क्योंकि उसने मुझे मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँची उसने मुझे पहले ही टेक्स्ट के बोले कि मेरे लिए आलू टिक्की कोल्ड कॉफ़ी और ये सब ला देना तो उसमें तो मेरा चोपा हो चुका है बट वी स्टिल हैव होप्स फॉर द शर्ट सो यू लेट्स गो इन सरप्राइज बल्कि फटफट इससे गिफ्ट दे देते हैं एंड कैमरा तो मैं शूट तो करूँगी बट आई नो कैमरा के सामने तो कुछ रिएक्शन नहीं देखना उसमें ब्लैंक रहना पूरा बट ठीक है वी शुड क्या ही बोलो चलते हैं एंड वी शुड गिव इट वेरी क्विकली पहले ही सोच के तुम्हारे मैकडॉनल्ड्स लेकर आ रहा है बोल देती हूं मैं खाना नहीं खिलाती अरे खाना मैं तो बोली थी उसको बताना मत लाने का बट ये तो मत करना तो वैसे देखा मुझे पता था ये ऐसी करेगा जायल बनके गंदा इंसान राहुल है ये लो तुम्हारा मैकडॉनल्ड्स और तुम्हारा फटफट पकड़ो तुम राहुल अच्छा से पकड़ो प्राइस तो बचा है मैं सारा भरकर सटा लो मैं इसकी और तौहीन करूं इसके लिए इसके डालती ये ना तुम्हारा मेन गिफ्ट तो बचा है थैंक यू जो कि सब ताका सारी कर गया इस गाइज मैंने बहुत शर्ट वगैरह टी शर्ट देखी बट हमने लास्ट में जो हमने नहीं चूज़ किया था हमने वो वाला ख़रीदा क्योंकि मम्मा को ये बहुत पसंद आ रहा था इसके लिए इस पर पिंक अच्छा लगता है सो हम ये ले रहे हैं वैसे शक्ल छुपा रहे थे पता नहीं क्या ही किया इसने तो हमने से देख कर उसका रिएक्शन करते हैं ना उसे तुरंत ट्रायल करवाएंगे लाइटिंग थोड़ी हम कर लेते अपने वीडियोज की अच्छी फैन ऑफ कर दी अरे तुमको ट्राई करना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा काम कौन करेगा तुम कर दे दो छोड़ दो मिनट में कुछ नहीं होगा थैंक यू तुम्हारी हंसी आ गई उसको पास में जाके दे उठ कर ले राहुल अच्छा से लो ये गलत बात है जा क्या ना जा अच्छा ठीक है तुम देख के तो बता दो तुमको कैसा लगा है बहुत बढ़िया तुमको शर्ट ही अच्छा नहीं लगा तो राहुल ये गलत छोटी तारीफ मत करो तो बहुत बढ़िया है लेकिन हल्का सा बड़ा है
मीडियम साइज है भाई, बड़ा बस हो गया। देख लो, ट्राई करके दिखा दो। और मैकडॉनल्ड्स में कैसा लगा? बहुत सरप्राइज, बहुत बढ़िया लगा। हैप्पी हैप्पी ब्रदर्स डे। क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं कर क्या रही हूँ।
भूल जाती हूँ कि मेरी ब्लॉगर है। तो मैं खाने के बाद आप लोगों को मिलती हूँ। लंच वगैरह करके हम लोग घर आ चुके हैं एंड आई एम लविंग माय हेयर कट। ऑल्सो बहुत ज़रूरत थी मुझे ऐसे हेयर कट की क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। आई एम रियली हैप्पी कि अब मेरे बाल मुझे हैंडल करने में भी बहुत इजी रहेंगे एंड ये लग भी अच्छे रहे। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन गाइज। ऑल्सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने थोड़ा अलग ट्राई किया वीकली व्लॉग क्योंकि जनरली एक ही दिन का सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने बोला वीकली व्लॉग भी मुझे ट्राई करना चाहिए। सो ये थी मेरी छोटी सी बड़ी सी वीकली व्लॉग। ये थी ओवरऑल जो मैंने वीकली वीक्स में मैंने वीकली वीक जो भी मैंने वीक में किया एंड थोड़ा ऐसे शेयर करने लायक था तो मैंने उस वीडियो में डाला है एंड आप लोगों के संग शेयर किया है। ले मी नो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग एंड ले मी नो अगर आप लोग को और ऐसे वीकली व्लॉग्स चाहिए होंगे तो आई वुड लव टू डू लव टू द फंबल की करियो आई वुड लव टू डू दोज फॉर यू एंड यस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो एंड मैं आप लोगों को मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय टेक केयर।